नमस्ते, आज हम लोग को क्या देने के लिए जा रहा हूँ, मतलब हमारा घर पे एर्थिंग मतलब प्रॉपर एर्थिंग दिया है कि नहीं दिया, वो कैसे बोल के चेक करेंगे, ये वीडियो में चेक करेंगे। मतलब दो टाइप मतलब दो डिफरेंट मेथड होता है वो एर्थिंग चेक करने के लिए। एक क्या है, मल्टीमीटर, ठीक है, एक हमारा जो मल्टीमीटर है मल्टीमीटर में चेक कर सकते हैं, और एक नॉर्मल बल्ब है ना वो बल्ब से चेक कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर में कैसे चेक करना, आप कुछ भी नहीं, आप ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में क्या करना, इसमें वोल्टेज है ना, वोल्टेज रेंज में सेलेक्ट करना, 750 में रखो पहले, क्यों बोलने से न्यूट्रल टू एर्थ वोल्ट, फेस टू एर्थ वोल्टेज एंड फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो 230-240 आएगा, 200 रखने से वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं 750 रखा। फिर क्या करना, न्यूट्रल टू एर्थ वोल्टेज रखने का टाइम में क्या है, 200 में सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके ये दो प्रोब ऐसा फिक्स करना है, एक ये रेड वाला है ना, रेड वाला जो फेस में रखना, ये जो न्यूट्रल में रखना, फिर बाद में क्या है, ये फेस में ऐसे ही रखना है, ये अर्थ को जाना है, फिर क्या फेस न्यूट्रल का अर्थ का रखना है, वो दोनों को रखना है, वो सब कुछ वोल्टेज लेवल नोटिफाई करना है, वो कैसे जो फाइंड आउट करना ये वीडियो में मैं बोलता हूँ, ठीक है। माइले अर्थिंग मतलब क्या है, अर्थिंग मतलब क्या है, अभी जो एक शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, अब मान लीजिए शॉर्ट सर्किट फेस न्यूट्रल टच होकर बहुत करंट जो निकल जाता है, उस टाइम में क्या हो जाता है, वो जो मेटेलिक बॉडी नहीं तो वो क्या करेगा, वो लो रेजिस्टेंस पास किधर बोल के वो ढूंढेगा, ठीक है। लो रेजिस्टेंस पास किधर रहेगा, रहेगा हमारा अर्थ पिन में रहेगा, क्योंकि इसलिए हमारा जो अर्थ पिन जो मोटा हम लोग रखता हूँ, ठीक है, वो इसलिए वो उसमें जाएगा, उसमें जाके वो सर्किट हमारे अर्थ में कनेक्ट होना चाहिए, अगर करंट नहीं होने से क्या करेगा, हम उसका वो इक्विपमेंट में ऐसे में ऑन करते रहता हूँ, फिर वो जो करंट है ना मेरा ऊपर में चला जाएगा, फिर मैं मर जाएगा, वही। इसलिए अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थिंग सभी का घर पे पक्का होना चाहिए, अगर नहीं है, नहीं रहने से ये वीडियो देख लो, कैसे बोल के चेक करो, अगर नहीं रहने से आप अच्छा से अर्थ बना के रखो, ठीक है। अभी चलेंगे, अर्थिंग मतलब क्या, इज द इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अर्थ बाई कनेक्टिंग द लो रेजिस्टेंस वायर इज कॉल्ड एज अर्थिंग। ये जो बोला ना, जो सडन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब शॉर्ट सर्किट हो रहा है, नहीं तो लाइटनिंग आ रहा है, जो सडन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, वो तो सीधा अर्थ को जाना पड़ेगा, वही प्रोसेस अर्थिंग है। वो कैसे करना, ऑल नॉन करंट कैरिंग पार्ट, मतलब अभी आप टीवी ले लो, नहीं तो ये फैन ले लो, एसी ले लो, सभी का जो अर्थ पिन, अर्थ का एक पॉइंट दिया होगा, वो अर्थ पॉइंट से वो तो उसका इक्विपमेंट का ऊपर में जो स्क्रू में टाइट करके रखना चाहिए, अगर नहीं रहने से क्या हो जाता है, अगर उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट, उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसका न्यूट्रल अर्थ से नीचे नहीं जाएगा, मतलब प्रॉपर अर्थिंग नहीं दिया बोल के मान लीजिए, ठीक है, वो पक्का आप कनेक्ट करना चाहिए, सभी इक्विपमेंट के पक्का अर्थिंग होना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है, मैं तो बोला है ना, शॉर्ट सर्किट से हम लोग को सेव करेगा, फिर हाई वोल्टेज सर्जेस एंड लाइटनिंग डिस्चार्ज उसमें भी हम लोग को सेव करेगा, ठीक है, एक्सेस करंट आएगा तो वो तो बराबर देने से बराबर वो हमारा जमीन को जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। टाइप्स इसमें दो टाइप होता है, एक सिस्टम अर्थिंग, एक इक्विपमेंट अर्थिंग। इक्विपमेंट अर्थिंग आपको मालूम है, मैं तो बोला ना टीवी हमारा जो कुछ इक्विपमेंट है उसमें इक्विपमेंट अर्थिंग देना है, मतलब सॉरी न्यूट्रल अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग मतलब क्या, आप सबस्टेशन ले लीजिए, सबस्टेशन में क्या करेगा, आप एक ट्रांसफार्मर है वो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर मान लीजिए, आप क्या करेगा, ये तो प्राइमरी है ये तो सेकेंडरी है, इधर में क्या करेगा, आप लोगों को अर्थिंग दिया ना, वो तो सिस्टम अर्थिंग है, मतलब न्यूट्रल अर्थिंग है, ठीक है। फिर मेथड अर्थिंग तीन टाइप में दे सकता है, एक पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, तीन टाइप है, कोई भी किसी में एक भी इसमें एक आप फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब अर्थिंग में क्या है, जनरली 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 3 मीटर, मतलब कोई भी वो नॉर्मल अर्थिंग रहने से आप क्या करना है, डिगिंग ऐसा करना है, मतलब लेंथ विथ डेप्थ 1.5 मीटर 1.5 मीटर, इसका डेप्थ है ना वो 3 मीटर करना है, कर देंगे, इसमें एक प्रोसीजर आप फॉलोअप करना है अर्थिंग के लिए, ठीक है। फिर जो दो मेथड बोला है ना, वो दो मेथड का पास चलेंगे। फर्स्ट मेथड, एक बल्ब लेना है, 100 वाट का बल्ब लेना है, बल्ब लेके आप मान लीजिए ये तो बल्ब बोल के मान लीजिए, ठीक है, ये बल्ब को क्या करना, फेस को न्यूट्रल का अंदर में रखना है, रखने से ये तो जल जाएगा, मतलब उसमें ग्लो हो जाएगा, फिर इसका फेस टू अर्थ में भी रख लो, फिर वो ऐसा ब्राइटनेस हो जाएगा, वो तो इंटेंसिटी जो लाइट का जो इंटेंसिटी मतलब उसका ब्राइटनेस होता है ना, ये इधर में रखने का उधर में रखने का तो इंटेंसिटी सेम होना चाहिए, अगर होने से ये गुड अर्थिंग है, ठीक है। अगर इसमें रखने से वो जो बल्ब ज़्यादा
ब्राइटनेस देता है लेकिन इसमें नहीं देता है, मतलब वो बैड अर्थिंग है, आपका अर्थिंग तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ओल्ड मेथड, न्यू मेथड में बोला मल्टीमीटर से कर सकता है बोल के। मल्टीमीटर में क्या रखना, फेस टू, अभी मान लीजिए एक तो सॉकेट है, ये फेस न्यूट्रल, सभी को मालूम है राइट हैंड साइड कभी भी फेस, लेफ्ट हैंड साइड न्यूट्रल ऊपर में एयर थे, आप फेस टू न्यूट्रल को मल्टीमीटर प्रो में रखना है, रखना के एक वोल्टेज मिल जाएगा आप मान लीजिए 230 वोल्ट, फिर फेस टू एर्थ कर देता है, फेस का एर्थ का रखना है 232 आ रहा है, न्यूट्रल टू एर्थ देखो, न्यूट्रल टू एर्थ चेक करना है आप मान लीजिए 1.5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, फिर टोटल लीकेज करंट कैसे कैलकुलेट करना, ये दोनों का डिफरेंस क्या है देखो, 230 232 डिफरेंस क्या 2 वोल्ट, इसका क्या 1.5 वोल्ट, दोनों ऐड करो लीकेज करंट बोलने से टोटल नॉट लीकेज करंट टोटल लीकेज वोल्टेज, सो 2 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट कितना आ रहा है 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट लेस देन आर इक्वल टू 5 वोल्ट राइट, मतलब हमारा स्टैंडर्ड क्या है 5 वोल्ट का वो नीचे से रहना है गुड अर्थिंग बोलने से, पर ये तो अच्छा से है, मतलब इसका मतलब क्या है न्यूट्रल मतलब अर्थिंग बराबर दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ये चेक कर रहे हैं 230 आ रहा है, ये चेक कर रहे हैं आप 238 वोल्ट आ रहा है, इधर चेक करने से आपको 7 वोल्ट आ रहा है, अभी देखो ये दोनों का डिफरेंस क्या है 8 वोल्ट, ये क्या है 7 वोल्ट, टोटल लीकेज वोल्टेज क्या है 8 प्लस 7 कितना आता है 15 वोल्ट, 15 वोल्ट क्या है लेस देन आर इक्वल टू 5 वोल्ट है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या ये तो बैड है। ठीक है, समझ गया ना वो कैसे चेक करना बोल के, अभी आप तुरंत आपका घर पे अभी चेक करो मल्टीमीटर से, नहीं तो दूसरा एक मेथड बोला ना ओल्ड मेथड से चेक करो, एर्थिंग बराबर रहना चाहिए, अगर एर्थिंग बराबर नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, नहीं तो आप भी खुद कर सकता है एर्थिंग के लिए, जो तो बोला ना 3 मेथड बोला ना, 3 मेथड से कोई भी एक जैसे एर्थिंग कर सकता है कुछ भी नहीं है, या एर्थिंग जो डिगिंग करो, डिगिंग करके ये प्लेट लगाओ पाइप नहीं तो प्लेट लगाओ, उसी से एक टॉप में एक वायर लगा के वो वायर को आपका मेन मीटर की तरह आता है उधर में एर्थिंग में जोड़ दो, देने से बराबर एर्थिंग बच जाएगा। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खाली मालूम होना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए, एर्थिंग तो हमारे घर पे हम लोग यूज़ करते हैं, सभी को मालूम होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो को आपका फ्रेंड लोग को, आप लोग का दोस्त लोग को भी शेयर करो, आपका सभी आदमी को शेयर करो, आपका कुछ कमेंट डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, फिर हमारा दूसरा वीडियो में कैसे जो एर्थिंग करना है वो एर्थिंग रेडी करना है बोल के मैं बोलता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय।